मैं सीएनटी एक्ट 1908 हूँ। आज मेरा जन्मदिवस है। आज ही के दिन मेरा जन्म 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर की धरती पर हुआ था। मेरे जन्म लेने के पीछे कई कारण रहे थे। आज जब मैं 114 वर्ष का वृद्ध हो गया हूँ, तब मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने जन्म के कारणों के विषय में इस नई पीढ़ी को बताऊं। मेरा जन्म कोई तत्कालिक घटना नहीं थी, बल्कि मेरे जन्म के पीछे सदियों से चले आ रहे शोषण, अत्याचार और अशांति इसके मूल कारण रहे थे। 1765 ईस्वी के बाद जमींदारों, साहूकारों एवं महाजनों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के प्रशय में छोटा नागपुर के आदिवासी एवं मूलवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए थे। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप कई विद्रोह हुए। आदिवासियों की भूमि, जिन्हें उनके पुरखों ने जंगल साफ कर तैयार की थी, उस पर उन्हें लगान देने के लिए विवश किया जाने लगा। जमींदार लगान न देने पर उनकी भूमि जब्त कर लेते थे और भोले भाले आदिवासी कुछ नहीं कर पाते थे। अंग्रेजों के आने के बाद समस्या और बढ़ गई थी। बेचारे आदिवासी, जिनकी जमीन जिनसे छीनी जा रही थी, वे कुछ न कर पाने के लिए विवश थे। यहां मैं बता दूं कि भूमि आदिवासियों के लिए न केवल जीविकोपार्जन का साधन थी, बल्कि यह तो उनके धर्म, संस्कृति एवं परंपरागत अधिकारों से जुड़ी उनकी पहचान थी। यह उनके आंतरिक मामलों पर बाहरी हस्तक्षेप था। उस समय के आदिवासी इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि कोर्ट कचहरी जाकर अपनी भूमि वापस पाने के लिए गुहार लगाते। यदि कचहरी से कोई सम्मन आदिवासी के नाम पर निकलता, तो ये आदिवासी इतना डर जाते कि घर बार छोड़कर जंगलों में जाकर छुप जाते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कोल विद्रोह के उपरांत 1860 के दशक में लंबी सरदारी लड़ाई छिड़ गई और उसके बाद बिरसा मुंडा का पदापन हुआ। बिरसा मुंडा स्वर्ण भुक्तभोगी थे। उनकी जमीन उनसे छीनी गई थी, जंगल से उनके अधिकार छीन लिए गए थे। बाहरी लोगों का शोषण बढ़ चुका था। बिरसा के आंदोलन का एक मूल कारण भी भूमि ही था। बिरसा ने अपने लोगों के हक एवं अधिकार के लिए उलगुलान किया, लेकिन उनके आंदोलन को दबा दिया गया। भले ही उनके आंदोलन को दबा दिया गया, लेकिन बिरसा का बलिदान व्यर्थ न गया। इसके दूरगामी परिणाम भविष्य में आदिवासियों के लिए एक सुखद अनुभूति प्रदान करने वाला था। अंग्रेजों ने बिरसा आंदोलन के दमन के बाद यह गहन विचार विमर्श किया कि ये आदिवासी इतने अशांत क्यों है। काफी मनन चिंतन के बाद ये निष्कर्ष सामने आया कि प्रकृति प्रदत्त यह भूमि आदिवासी जीवन का मूल आधार है। यह भूमि ही उन्हें अपने पुरखों से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने संपत्ति से एवं अपने जीविकोपार्जन से जोड़े रखता है, और अगर कोई उसे उसकी भूमि से अलग करता है, तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही था। ऐसी ही परिस्थितियों में मेरे जन्म लेने के कुछ समय पहले भूमि एवं उससे जुड़े लोगों के हक एवं अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई, और भूमि तथा आदिवासी जीवन से संबंधित हर एक पहलू पर विचार विमर्श के बाद 11 नवंबर 1908 ईस्वी को मेरा जन्म हुआ। छोटा नागपुर के आदिवासी एवं मूलवासियों की भूमि को संरक्षित किया गया। काश्तकारों के वर्ग निश्चित किए गए। रैयत एवं मुंडारी खूंटकट्टीदारों के अर्थ स्पष्ट किए गए एवं आदिवासियों के भूमि की सुरक्षा के लिए कई धाराएं इसमें सम्मिलित की गई। मेरे अंदर 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं एवं तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक धाराओं में जल, जंगल, जमीन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। आज 114 वर्ष बाद मुझे इस नए जमाने के साथ चलना है। नई पीढ़ी को राह दिखाना है। यह तभी संभव है जब मेरे अस्तित्व को मेरी मूल भावना के साथ बने रहने दिया जाए। मेरी मूल आत्मा इसके अस्तित्व से जुड़ी है। मेरे लोगों, मुझे भूल मत जाना। मेरे अंदर इतिहास है, पूर्वजों का बलिदान एवं संघर्ष है। इसलिए तो मैं आदिवासी मूलवासी भूमि का सुरक्षा कवच हूँ। मुझे पहचानो, मैं सीएनटी एक्ट 1908 हूँ। सर्वाधिकार कॉपीराइट डॉक्टर संजय बाड़ा। मैं सीएम